ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में आपको इस प्रकार से सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है आपका सॉलिड स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस करके जो चैप्टर है वो है, बाइंडिंग थ्योरी ऑफ मेटल्स है। फिर देखिए सॉल्यूशन चैप्टर है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है, केमिकल काइनेटिक्स है, फिर सरफेस केमिस्ट्री है आपका, फिर जनरल प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। फिर आपका यूनिट 7 में आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 18 एनिमल। फिर आपका यूनिट 8 में पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथोनाइड और एक्टिनाइड भी इसी क्रम में पढ़ लेना है। फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, फिर आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ना है। हेलो एल्केन्स में नॉमनिक्लेचर होता है और केमिकल आपका जो कंजर्वेशन ये सब होता है ये सब इसमें आ जाएगा। हेलो एरीन है, यूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है, ये इसमें आपका जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं हेलो एरीन के रूप में वो सारे आयोडोफॉर्म डीडीटी वगैरह ये सब पढ़ना है। फिर यूनिट 9 में आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। फिर एमीन्स पढ़ना है, एमीन में एमीन है, डाइजोनियम साल्ट्स है। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। फिर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पढ़ना है। फिर आपका यूनिट जो आपका 15 है 15 उसमें आपको पॉलीमर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन नेचर एंड सिंथेटिक पढ़ना है। फिर आपका जो 16वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल लाइफ में, केमिकल इन मेडिसिन और केमिकल्स इन फूड और क्लीनिंग एजेंट, ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे वीडियो से जुड़े हुए नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।